व्हाट्स अप नाडारामी, कैसे हो सारे? आई होप सब लोग बढ़िया होंगे। तो जैसा कि आपने टाइटल और थंबनेल देख के पता कर ही लिया होगा, तो टुडे दीप्तिका का बर्थडे, तो वहां पे वो बैठी है। तो सबसे पहले बता देता हूँ कि अभी जस्ट हम लोग मतलब तैयार हुए एंड अभी जस्ट थोड़ा केक कटिंग का तैयारी हो रहा है। तो बेचारी दीप्तिका कब से वेट कर रही है रेडी होके, एंड उसकी मम्मी और पापा अभी भी रेडी हो रहे हैं। तो अभी आप लोग सोचते होगा कि मैं सुबह से ब्लॉग क्यों नहीं किया। तो सुबह एक्चुअली हुआ क्या, सुबह इंटरनेट चला गया था और मैं जब सुबह लॉग इन करने वाला था, मतलब वर्क फ्रॉम होम चालू है आपको पता ही रहेगा, तो सुबह ही मैं काम करना चालू करने वाला था, बट सुबह नेट नहीं था तो मैं लेट लॉग इन किया और लेट लॉग इन की वजह से लेट लॉग आउट भी किया। तो उसके वजह से ये जो भी था काम, ये सब पेंडिंग था एंड ये सारे काम में और मेरे चीजू ने खत्म किए एंड अभी जस्ट काम खत्म हुआ है, सब रेडी होने गए, मैं और चीजू अभी रेडी होके है एंड अभी सिर्फ केक कटिंग बाकी है। और सुबह से कुछ नहीं हुआ, सिर्फ बैठे थे, अभी शाम से ही काम करना चालू किया। तो मॉन्टाज स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार बता देता हूँ कि क्या क्या है। तो सेटअप कैसा कुछ ऐसा है, सेटअप ये अपना टिकटॉक लाइट फेमस है एकदम, हर बर्थडेज में ये निकलता बाहर। और ये ऐसे कुछ सजा है अपना टेबल जहाँ पे केक रहेगा, तो उसका कनेक्शन यहाँ से जब मैं ऑन करूँ तो ये ऐसे कुछ दिखेगा, तो ये है। एंड उसके बाद अगर हम आगे जाएंगे तो जैसे यहाँ अगर हम यहाँ पे बैठने वाले, तो दीप्तिका यहाँ पे बैठेगी केक कट करने को, तो ऐसे कुछ सजा है टिपिकल ओल्ड स्कूल टाइप रेट्रो स्टाइल एकदम रेट्रो। और ऐसे कुछ है, यहाँ पे एक छोटा सा लाइट भी है जो ऐसे घूमते रहता है, ये भी लिया है। और ऐसे कुछ है हमारा आज का बर्थडे का सेट, तो ऐसे कुछ है। तो अभी इतने सारे जो है बलून ये भी फुला के अभी ऐसे डाल दिए, तो अच्छा लग रहा है ना दीप्तिका, कैसा लग रहा है? अच्छा है, हाँ अच्छा है, ओके। तो ये ऐसे बीच में डाल देंगे तो अच्छा लुक आएगा। तेरा ड्रेस चेंज कर दिया ना? क्यों चेंज किया बता, ड्रेस बता सबको। उठ 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 उठ, वाह दीप्तिका इंडियन आउटफिट पे, वेस्टर्न से इंडियन आउटफिट पे आ गई। ओके सो व्हाट गिफ्ट डू यू वांट, शेयर व्हाट गिफ्ट डू यू वांट, विच वन? ये ना ये बहन ने लाके रखा, कब से शाम सुबह से यही बोल रही है कि मेरे को ये चाहिए चाहिए, मिलेगा, रुक रुक जा, रुक ना, केक काटने दे। ओके केक आ गया है यहाँ पे, तो ये केक सेंड किया है लता ने यहाँ पाई, लता नहीं मेरी छोटी बहन, वो ने यहाँ पाई, वो कल आएगी, उसको काम था ऑफिस में, वो नहीं आ रही आज। बापरे कितने फूट गए, देखो 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 देखो, जब से शाम से फूला है इतने फूट, इतने तो फूट है जितने फूला है हम लोग ने। दीप्तिका ये देखो, अभी हम लोग ने जस्ट ये सेट किया है, इतना बड़ा बलून, इसके अंदर पूरे चॉकलेट्स है, दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा, हाँ दिख रहा है, इधर एक लगाया, इधर एक लगाया, उसमें बॉल है, इसमें चॉकलेट है। हवा का आज कुछ तो है, आज ही हवा चल रहा है। लो मौसी ने भेजा हुआ गिफ्ट भी आ गया है, ले मौसी ने भेजा हुआ गिफ्ट, क्या बात है। Happy birthday, happy birthday, happy birthday.
केक का इडली बना दिया है। रिया जी का डायलॉग और कहते बारी है इसको तोड़ने की। बापरे स्लो मोशन में निकालता हूँ, रुको स्लो मोशन में दिखाता हूँ। गिफ्ट ओपनिंग सेशन, ये तो मम्मी ने ही उसकी बेटी को गिफ्ट कर दिया है, वो बंद कर दिया। मेरे को तो पता है इसके अंदर क्या है, उसको पता नहीं इसके अंदर क्या है। उसको लग रहा है उसके अंदर मेकअप सेट है जो उसको चाहिए था, बट मेकअप सेट पूरा खराब कर देगा इसलिए उसको दिया नहीं अगले साल। ओके okay. अरे गिफ्ट दे रहा है, इधर है, इसके पीछे भाग रही है, बाद में कलेक्ट कर ले ठीक है। अरे ओ मैडम, गिफ्ट नंबर टू अनबॉक्सिंग। बापरे उसका आग देखो, बापरे व्हाट इज दिस, लेगो। तो अभी सोच रहे होगे कि मैंने क्या दिया, मैंने कुछ नहीं दिया। बेसिकली मैंने बहुत जगह ढूंढा, दो डी मार्ट, दो बिग बाजार, एक मॉल, सब जगह छान भरा, बट इसके लायक कुछ ऐसा गिफ्ट नहीं मिला कि ये यूज करे अच्छे खेल पाए, तो मैंने कुछ लिया भी नहीं। मैंने थोड़ा सा कुछ लिया था चॉकलेट, तो वो दे देता हूँ, एटलीस्ट थोड़ा खुश तो हो जाएगी, तो वो दे देता हूँ। एंड बहुत ढूंढा यार, देखो मतलब मॉल पूरा खाली था। इतना खाली था कि मॉल के अंदर लोग भी नहीं थे और मॉल के अंदर का सामान भी नहीं था, तो खिलौने चुने गिने चुने खिलौने यार। बिग बाजार से बड़े बड़े ब्रांड्स के अंदर कुछ नहीं था। मैंने पता है मुझे लॉकडाउन था तो उन लोगों ने स्टॉक रिस्टॉक नहीं किया, बट फिर भी लोग आ रहे हैं तो करना चाहिए। टाइम फॉर मेरा गिफ्ट, मैं आ रहा हूँ। मैंने कुछ नहीं लिया, इन लोगों को लग रहा है बहुत कुछ लिया, मैंने कुछ नहीं लिया है। ऐसा लग रहा है बहुत कुछ लिया, मैंने कुछ लिया ही नहीं है, क्या बोलूं इन लोगों। ये तो सप्लीमेंट्री मतलब कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट था, सप्लीमेंट्री गिफ्ट था। मैं ये कुछ देने वाला था इसके साथ कुछ गिफ्ट देने वाला था, बट मिला नहीं तो आपको देना ही पड़ेगा। निनंगा नेक्स्ट गिफ्ट, ये तो मतलब कॉम्प्लीमेंट्री था, इसके साथ क्यों आया था। नेक्स्ट गिफ्ट, ये कि चॉकलेट छोड़ के कि पैसा छोड़ के आ रहे, पैसा इम्पोर्टेंट है। ओह वाओ, ये वन करो मैं पिट क्यों ना आई नहीं जाती। अरे बाप रे, टूटू बाती और दो स्टिकर, इसको स्टिकर बहुत पसंद है, मतलब कुछ भी हुआ तो इधर से उधर स्टिकर उधर निकाल लेती है, कुछ भी स्टिकर तो निकाल दो, पूरा स्टिकर ला के और लेने आया था, बट मैं सोचा पहले देखते हैं अगर ये उसकी तो और ला के स्टिकर तृप्ति स्टिकर वाले पल्ला स्टिकर फिक्के ना
कैसा लगा गिफ्ट? छोटा सा गिफ्ट। गुरुजी जूनियर पूरा खाली खाली पूरा ठूस ले ठूस ठूस म्यूजिक टू आवर्स लेटर। तो भाई बहुत ज्यादा थक गया हूँ, मतलब गर्म भी साफ ही कर रहा हूँ। आधा चीज तो मैं कैमरा में सामने बता नहीं सकता हूँ कि बहुत ज्यादा सफाई हो चुकी है। अभी घर का जो हाल है वो देख लो, क्योंकि अभी मैं झाड़ू मारने वाला हूँ। तो अभी जैसे वो बड़ा वाला ये फोड़ा था बलून, तो उसके अंदर हमने थर्माकोल बहुत जला था, पूरे घर में फैला हुआ है। और मतलब घर का हालत देख सकते हो, कोने कोने में सब जगह पे है, पर मैं यहीं पे सोता हूँ। तो अभी पूरा घर साफ करना है एंड फिर मिलता हूँ। क्या ये एक जगह पे रुकते भी नहीं है, एक जगह पे रुके रहते तो भी मैं साफ कर देता, बट क्या है? फाइनली गाइस, पूरा घर साफ फाइनली। तेरी भाई 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 तो भाई फाइनली पहुंच गए हैं हम हमारे टेंट के अंदर। टेंट के अंदर क्यों हूँ, ये मैट है, टेंट मैट है, मतलब मच्छर वाली जाली है, तो ये डाल के सोना पड़ता है, क्योंकि अभी सर्दी आ गई है तो मच्छर भी बहुत ज़्यादा आ गए, तो ये डाल के सोना पड़ता है। और मैं बाहर सोता हूँ हॉल में, तो ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है, क्योंकि इतना ज़्यादा मच्छर मारे ना मैंने अभी कि मैं क्या ही बोलूँ। बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। तो आज बहुत ज़्यादा थक गया हूँ और बहुत काम भी किया, मज़े भी किए, तो थक गया हूँ। और अभी जस्ट भाई का मैसेज आया, भाई अपना विशेष भाई का मैसेज आया, बहुत दिनों के बाद पबजी खेलने बुला रहा है। तो अभी मैं जाता हूँ, और अब भी जाओ, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में। तब तक के लिए मैं मिलूंगा ऐसे किसी स्टूडेंट में। टिल देन टेक केयर एंड आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वन। खुश रहो और खुशियाँ फैलाओ।